कोई बिगनर टिंग हमारी 11,500 से स्टार्ट होता है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। सो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ दरियागंज। म्यूजिकल मार्केट है पूरी यहाँ पे, मतलब सबसे बड़ी मार्केट है पूरी दिल्ली की, तो उसे एक्सप्लोर करेंगे आज। सो मैं अपने दोस्तों के साथ आया हुआ हूँ, तो भाई हेलो हेलो बोल दो यार कुछ। हेलो गाइस, ये है मेरे फ्रेंड्स पीछे। हेलो गाइस, व्लॉग हो रहा है भाई, से हाय टू माय व्लॉग। हाय, हेलो एवरीबॉडी। तो भाई अंबर को लेना है, गिटार से ही करवाना है इसको अपना, ठीक है, तो इसके साथ। और मेरे को लेनी है पिक, क्योंकि मेरे नेल्स बिल्कुल घिस चुके हैं बजाते बजाते, पूरे लॉकडाउन में इन्हीं से काम चलाया है, तो मेरे को पिक लेनी है। और चलते हैं सीधा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ की सबसे फेमस मार्केट है यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो मतलब भार्गवाज वगैरह है और शान म्यूजिकल, तो उन पे जाएंगे एक्सप्लोर करते हैं। और मतलब काफ़ी सस्ते में वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं म्यूजिक लवर्स हैं सारे यहीं पे आते हैं ज़्यादातर खरीदने के लिए, क्योंकि सस्ते में मिल जाता है। तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को, मिलते हैं आपसे एंड में। सो दोस्तों, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे भार्गवाज पे आ चुका हूँ। तो इनके दो फ्लोर हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे, आप देख सकते हैं सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स ऊपर हैं सारे। तो आपको एक बार दिखा देते हैं पहले इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स अपने कि कैसे कैसे हैं, प्राइस बता देते हैं आपको। अंकल मतलब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखने हैं, तो मतलब हारमोनियम की स्टार्टिंग कितने से होगी? अगर कोई बिगनर, स्टार्टिंग हमारी 11,500 से स्टार्ट होता है। 11,500 से स्टार्ट होता है जी। अच्छा, और 65,000 तक है। 65,000 तक है हारमोनियम। और तबला सेट, तबला वो जो है हमारे पास 5,000 से सेट स्टार्ट होता है और 15,000 तक होता है। तबला 5,000 से स्टार्टिंग है तबले की, तबला और जोड़ी। ओके, हाँ जी अंकल। और तानपुरा हमारे पास 14,000 से स्टार्ट होता है। 14,000 से? हाँ जी। और 60-65 तक इसकी वेराइटी है, 60-65 तक। अच्छा, बट तानपुरे में मतलब डिफरेंस क्या होता है? मतलब ये मतलब स्वर का फर्क होता है, और इसके जो वुड जो लगी होती है उसका फर्क होता है, और जो नीचे जो है ना, हाँ जी, वो उससे बनता है। किससे बनता है बताओ ना, वो नीचे जो बनता है वो क्या होता है कद्दू फल होता है। और ढोलक होती है हमारे पास 2100 से स्टार्ट है। 2100 वाली कौन सी है सितार? अच्छा, ये सितार है। अच्छा, इनमें कितने से स्टार्टिंग है सितार में? इसमें 21,500 से। 21,500 से? ये बहुत महंगा, मतलब ये कॉस्टली। अच्छा, ये कॉस्टली भी होता है। और ये वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट है अंकल? इस वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सरोद। सरोद? हाँ जी सरोद। ये कितने का है सरोद? ये 45,500। अच्छा, मतलब ये भी गिटार की तरह ही है? ये गिटार अलग चीज हो गई, सरोद इंडियन क्लासिकल में आ गया। अच्छा, इंडियन क्लासिकल में है। इंडियन क्लासिकल जी। तो कुछ मतलब ऐसा है जो पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा और इंस्ट्रूमेंट आपके पास ही मिलेगा, मतलब हमें भार्गवास पे आके ही मिलेगा? रोज मिलेगा आपको रोज? अच्छा, पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। मतलब शहनाई? शहनाई कहाँ है? अच्छा, ये शहनाई। और ये क्या अंकल? बेंजो? इसको बोलते हैं बांगो। बांगो, ओके। इसका क्या प्राइस होता है? इसका कम से कम 750। 750 स्टार्टिंग। ओके, थैंक यू अंकल। तो युगम, आपको कुछ लेना है भाई? सरोद ये रखा हुआ, मैं कल ही आया हूं, दिल खुश हो गया। देखो, युगम निकालना है भाई, अंकल जी से मिला था बात। आप ढोलक चेक कर सकता है? इसमें युगम को मजा नहीं आया। अच्छा, अभी ट्यून नहीं था ये? ट्यून कर बिना ही रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो फिर हाँ हाँ जी, टाइट हो जाता है। मंदिर
हाँ वहाँ सारे कलाकार हैं, वहाँ जितने भी आते हैं बैठते हैं सारे कलाकार उठते बैठते हैं। यार ये बजाया नहीं कभी, ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी से बजता है? नहीं, आप क्यों नहीं बजते यार? उल्टा नहीं चलता, उल्टा चला के देख तेरा चले। मेरा उल्टा नहीं चलेगा इसका। ये भाई इसे क्या बोलते हैं? बेंजो। हाँ तो ये बेंजो देख सकते हैं आप, मैंने तो पहली बार ही देखा है बेंजो। इधर से होगा ना, पिक से होगा ना, इधर से होता है ना वो पिक। गिटार की तरह लग रहा है। ये अच्छा पहले तो ये अपना चुचू पकड़ी ले तो करके देख कितने का। 2500 का खतरनाक म्यूजिशियन है। हाँ सारे इंस्ट्रूमेंट ले करता है। तो थैंक यू अंकल दिखाने के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्रम्स का है। तो यहाँ पर क्लासेस होती है क्या? नहीं, सेल के लिए इलेक्ट्रिक ड्रम्स है। इलेक्ट्रिक ड्रम सेल्स के लिए ट्राई करने ही हो? ये भाई इस टाइम यहाँ पे इसके एम्प के नहीं बजे हैं। ये केवल इसलिए होता है, ये ऐसे बहुत वो एक होता है एकॉस्टिक ड्रम सेट ऊपर के भाव ऊपर रहता है, उसमें शोर बजता है। हाँ। इसमें क्या हेडफोन लगा के आप अपने ही तक सीमित रहोगे, इससे आगे नहीं जाओगे। फेल ही आती है इलेक्ट्रिक। अब जिसके पास एकॉस्टिक है ना वो फिर इलेक्ट्रिक बजाता है, इलेक्ट्रिक में मजा नहीं आता। सो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स आप देख चुके हैं, अब आपको वेस्टर्न दिखाते हैं। सेकंड फ्लोर पे चलते हैं और इलेक्ट्रिक ड्रम मतलब इन्हीं के पास मिलते हैं और कहीं मिलते ही नहीं यहाँ पे पूरे दरियागंज में ऐसे, मतलब अच्छी क्वालिटी के। तो चलते हैं। सो दोस्तों मैं सेकंड फ्लोर पे आ चुका हूँ। सारे मतलब यहाँ पे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देख सकते हैं आप कितने सारे गिटार्स। हाँ हाँ जी, तो सर मतलब गिटार देखने थे सर हमें। हाँ जी हाँ जी। तो सर दिखाएंगे अब गिटार। तो सर इलेक्ट्रिक गिटार मतलब कितने से स्टार्ट है आपके पास? बेसिक स्टार्टिंग 8-9 हज़ार रुपये से हो जाता है। 8-9 हज़ार रुपये से हो जाता है। हाँ ओके। एक बिग एक बार बता दीजिए मतलब कौन सा है। बिल्कुल बेसिक अगर आप लेते हैं तो जैसे ये है प्लूटो ब्रांड का आएगा आपका। ये प्लूटो ब्रांड का बेसिक। हाँ कितने का ये? 8078 का आपका है। 8078 रुपीज़ का। हाँ जी। और मतलब हाई तक कितने? हायर तक अगर लेते हैं तो अभी तकरीबन 1.5-2 लाख तक का मिल जाएगा आपको। 1.5-2 लाख तक का? अच्छा हाईएस्ट अगर जाते हैं गिटार में इलेक्ट्रिक में। हाँ जी हाँ जी जी। और उसमें बेस में? बेस में आपका इधर लगा हुआ है, ये अकॉस्टिक बेस है ना, ये अकॉस्टिक बेस है, ये इलेक्ट्रिक बेस है, अलग अलग है। ये सारे इलेक्ट्रिक बेस हैं? हाँ इलेक्ट्रिक बेस है और ये जो है आपका अकॉस्टिक बेस है। अकॉस्टिक बेस है ये। हाँ जी हाँ जी। तो देख सकते हैं आप। और मतलब स्टार्टिंग कितने से है? स्टार्टिंग इसमें अगर लेते हैं तो तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये से अभी शुरू हो जाएगा। 16-17 हज़ार रुपये से स्टार्ट होगा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा और इसका मतलब अगर हम एकॉस्टिक में लेते हैं? एकॉस्टिक में अगर आप लेते हैं तो जैसे ये है अभी आइवनिज कंपनी का है, सॉरी फेंडर कंपनी का है। फेंडर का है? हाँ जी। 39,200 का है। 39,200 जी। और अपने पास मतलब ड्रम किट कितने से स्टार्ट होंगे? ड्रम किट की स्टार्टिंग हो जाता है इम्पोर्टेड में आएगा जो कि तकरीबन मान के चलिए 22,000 मिनिमम ड्रम किट। हाँ जी। मतलब कौन से ब्रांड की होगी? हवाना कंपनी का होगा आपका। हवाना। हाँ जी हाँ। ड्रम किट है ये जो मैंने आपको बताया हवाना। कितने का था ये वाला? 22,000 की रेंज में। 22,000 की रेंज। हाँ जी। और हाईएस्ट कितनी जाती है मतलब ड्रम किट? हाईएस्ट आपका 4-5 लाख तक का भी आता है। 4-5 लाख। तो आपके पास कहाँ? अपने पास जो अभी है वो स्टार टामा का आता है, स्टार सीरीज टामा का 5 लाख के आसपास में आएगा आपको। और ये वाला कितने का है टामा का? टामा का ये वाला अगर देखते हैं तो 32,000 का आपका है। 32,000 का है। ओके और अंकल मतलब ये पर्ल की कितने तक की आएगी? पर्ल आपका अलग अलग है। पर्ल में जैसे एक्सपेंसिव कौन सी है? स्टार्टिंग आपने बता दी 22 से होगी। अभी वैसे मतलब देखेंगे तो अभी एक्सपेंसिव में आपका ही आ जाएगा। ये आपका ये पर्ल की है सबसे एक्सपेंसिव आपके पास ये किट पड़ी हुई है अभी। हाँ जी हाँ जी। ये आएगा अभी इसमें और भी ऐसी सीरीज आएंगी जो सब मिला के तकरीबन आपका 3 लाख के आसपास पड़ेगा आपका। जब ये मतलब पूरी मिला के 3 लाख के अप्रोक्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके तो आप देख सकते हैं कितने सारी किट्स पड़ी हैं यहाँ पे। और कीबोर्ड? कीबोर्ड मतलब लगे कीबोर्ड लेना चाहे बिगनिंग के लिए, अगर कोई बिगनिंग कर रहा है कीबोर्ड से तो मतलब है यामा है बेसिक कीबोर्ड मतलब स्टार्टिंग के लिए बेटर है आपके। अच्छा
से, मतलब कितने तक की रेंज में आ जाएगा? स्टार्टिंग हो जाता है 6-7 हज़ार रुपए से। 6-7 हज़ार रुपए से बेसिक कीबोर्ड मिल जाता है? हाँ जी मिल जाता है। अच्छा, तो मतलब डिफरेंस क्या होता है, मतलब जैसे अगर कोई इसका डिफरेंस होता है, टोन का डिफरेंस होता है, ब्रांड का डिफरेंस होता है, हर चीज का डिफरेंस आएगा। अच्छा, हर चीज का ही डिफरेंस हो जाता है। हाँ जी। और अगर वायलिन, वायलिन अगर आप देख रहे हैं तो वायलिन जैसे बेसिक स्टार्टिंग हो जाता है आपका, मान के चलिए 5000 से वायलिन स्टार्ट है। और अगर अभी थोड़ा सा हायर सीरीज में देखेंगे तो अप्रोक्स में 75-80,000 की रेंज में आ जाएगा आपका। ओके। हाँ जी। और मतलब कौन सा होगा वो? जो होगा आपका ये, सॉरी ये जैसे आपका 61,900 का आपका। ऑनलाइन ऑर्डर करना हो आपकी शॉप पे, मतलब वो आ नहीं सकता और दूर से हो, दिल्ली के बाहर से हो, तो मतलब है वो फैसिलिटी है? बिल्कुल है। कभी भी जब भी कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है हम लोग भेज देते हैं ऑनलाइन। अच्छा। हाँ चला जाता है, मतलब कुरियर से हो जाता है जाएगा आपका? हाँ। और उसका चार्ज अलग से लगेगा? हाँ, उसका चार्जेस जो होते हैं जो भी होगा वो अलग से आपको, और जो कस्टमर है वही बेयर करेगा उसके चार्ज को। बिल्कुल वही करते हैं। हाँ भाई हाँ। तो ये अंबर का गिटार बीमार हुआ भाई, ये अब ये सही होने जा रहा है। यहाँ पे आए तो मतलब अपनी स्कूटी देख के पार्क कर रहे करें, आप देख सकते हैं कैसे उठा उठा के ले जा रही है, और हर 2 मिनट में एक नई क्रेन आ रही है और उठा उठा के लेके जा रही है। तो मतलब अगर आप आए स्कूटी से या गाड़ी से भी तो अच्छी जगह पे पार्क करें। दोस्तों भार्गवास के बाद अब मैं आ चुका हूँ सन्नी म्यूजिकल्स पे, और चलते हैं हम इनके पास। गिटार दिखा दो। नहीं मतलब बिगनर्स के लिए गिटार दिखा दो। नहीं कितने से स्टार्ट है मतलब आपके पास गिटार? 1500 से स्टार्ट है मतलब गिटार। हाँ। तो अच्छा, मतलब कौन सा गिटार होगा वो दिखा दे। कंपनी वगैरह क्या होगी? ये होगा 1500 की रेंज में गिटार है। ये 1500 की रेंज में मिल जाएगा गिटार स्टार्टिंग के लिए? कंपनी कौन सी है इसकी? इंटर। अच्छा ओके। और मतलब इसके बाद कौन सा गिटार? कलर वगैरह भी मिल जाएंगे जिसमें कलर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं? और अच्छा, और मतलब इसके बाद, मतलब इसके थोड़ा जंबो गिटार होगा 41 इंच का। इसकी जो वारंटी वगैरह है 3 साल है, और ये 1 टाइम गिटार है, मतलब आगे हाई लेवल तक आप बजा सकते हो उस गिटार को। ये प्रोफेशनली गिटार है, इसमें 2 साइज आते हैं, एक मीडियम साइज भी आता है इसमें, 40 इंचेस ये 41 इंचेस है। 41 इंचेस है ये? जी सर। जैसे जंबो गिटार बोलते हैं वो। इसकी वारंटी वगैरह भी 3 साल है, प्लस में क्या है ना इसमें भी इम्पोर्टेड टेस्ट ऑयल है, प्लस इसकी चाबी वगैरह भी कवर्ड है, मतलब डाई कास्टिंग चाबी है। अच्छा, 3 साल की वारंटी है और चाबी? अच्छा ओके। चाबी अच्छी क्वालिटी की, मतलब खराब नहीं होगी। अच्छा, कितने का था ये गिटार? ये 45 से स्टार्ट होते हैं मेरा गिटार। 45 से स्टार्ट होते हैं। बाकी जो रेंज हमारा होलसेल का काम है इसलिए हम आपको एक्यूरेट रेट नहीं दे पा रहे, अगर हमारा रेट जो भी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब अगर होलसेल में किसी को चाहिए तो उन्हें कम में मिलेगा ये? होलसेल में अगर वो 6 पीस लेते हैं या 5 पीस लेते हैं तो उनको होलसेल रेट। होलसेल में मतलब 5 पीस भी आप दे देंगे? नहीं जी भैया, हमारा एक्चुअली ज़्यादातर होलसेल का ही काम है, हम ज़्यादातर होलसेल ही करते हैं, बाकी रिटेल भी करते हैं। रिटेल में भी हम अच्छा खासा डिस्काउंट दे देते हैं, अगर आपके यूट्यूब के थ्रू आएंगे तो और अच्छे डिस्काउंट दे देंगे। मतलब अगर मेरे थ्रू जो भी बंदा आएगा तो उसको कुछ डिस्काउंट मिलेगा स्पेशल? बिल्कुल भैया बिल्कुल मिलेगा। मतलब कितना परसेंट आप डिस्काउंट देंगे अगर कोई मेरा नाम लेके आएगा हिमांशु राजपूत मेरे चैनल का, तो मतलब कितना डिस्काउंट दे पाएंगे आप अपनी तरफ से? भैया मार्केट ट्राई कर ले, वो पूरा अच्छे डिस्काउंट मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिल पाएगा ऐसा डिस्काउंट देंगे अगर आपके थ्रू। मतलब 5 मतलब कितना परसेंट? मतलब परसेंट कुछ नहीं होगा, मार्केट में कहीं भी आप ट्राई कर लीजिए, मतलब उससे कम में आप दे देंगे? कम में दे देंगे, कहीं भी नहीं मिल पाएगा, इतने रेंज में देंगे आपको ये। तो सर मतलब सर ना बजाने के लिए भी बहुत फेमस है, तो कुछ हो जाए तो कोई बढ़िया सा बजा दें हम। बहुत बढ़िया भैया, मजा सा आ गया। अब हारमोनियम वगैरह आपके पास किस रेंज में हो जाएंगे? हारमोनियम कहाँ से स्टार्ट होंगे? हारमोनियम अपने पास भैया 45 से स्टार्ट होते हैं हारमोनियम। 45,000 से आप 4500 से आपके पास स्टार्ट है? जी 4500 से आपके पास स्टार्ट है हारमोनियम? जी भैया। तो मतलब कौन सा होगा वो हारमोनियम आप दिखा सकते हैं एक बारी? बिल्कुल भैया। तो सबसे पहले भाई हारमोनियम बजा के करते हैं चेक। आहा, 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 नचिया वाह वाह वाह।
आपके पास यूकुलेले कितने से स्टार्ट है? 1500 से स्टार्ट है भैया यूकुलेले। 1500 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे भी यही एक पीस रखा हुआ है? नहीं भैया, पीसेस तो बहुत सारे हैं एक्चुअली, हमारा होलसेल का काम है तो बहुत ज्यादा बिकता है। अच्छा, मतलब होलसेल के उसमें आता है। और इलेक्ट्रिक गिटार की कितने से स्टार्टिंग है? इलेक्ट्रिक गिटार 4000 से स्टार्ट है भैया। 4000 से स्टार्टिंग है भैया। कहाँ तक जाती है इलेक्ट्रिक गिटार? इलेक्ट्रिक गिटार भैया हमारे पास हाई रेंज 30000 तक है। और बेस गिटार भी अवेलेबल होंगे? हाँ सर, बेस गिटार मिल जाएगा। ये वाला बेस गिटार है ना? जी भैया, ये 9000 से स्टार्ट है। बेस गिटार 9000 का है? ये गिटार स्टार्ट 9000 से है। 9000 से स्टार्ट। भाई हारमोनियम बजाया मैंने और भाई मजा सा आ गया, मतलब मैंने बहुत टाइम बाद बजाया क्योंकि मेरे हारमोनियम में कुछ दिक्कत आई हुई है और मैं बजा नहीं पाता। तो भाई मैंने कैसा बजाया? बहुत अच्छा बजाया भाई। सही था ना? नहीं पक्का? मजाक तो नहीं कर रहे कभी? सही है। तो अब आप और मतलब क्या दिखाना चाहेंगे? अब आप मतलब वोकल के हिसाब से तो अच्छी है, तो अभी वोकल चल रहा है ना आपका? हाँ, मैं वोकल ही सीखता हूँ, ये तो मैंने अभी बस थोड़ा बहुत प्ले कर लेता हूँ। हाँ जी, रियाज के पर्पज के लिए बहुत अच्छा है। तो आप भैया की शॉप पे आ सकते हैं? तो भैया एड्रेस मतलब कुछ पर्टिकुलर की मतलब कैसे बताना चाहेंगे कि कहाँ है बंदा आपकी शॉप पे आने के लिए? हमारे जो नियर बाई पड़ता है, मेट्रो से आना चाहते हैं वो अपने, मतलब आप मेट्रो से भी आ सकते हैं, दिल्ली गेट और जामा मस्जिद दोनों मेट्रो स्टेशन के नियरेस्ट है, वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आ सकते हैं। और मतलब अपनी गाड़ी लेके आके यहाँ पे मैंने देखा कि मतलब गाड़ी उठा के लेके जा रहे हैं दबा के, ऐसा कुछ नहीं है सामने। तो वाले हमारी दुकान के ठीक सामने ही पार्किंग है। अच्छा, नहीं मतलब अगर कोई भी अपनी कार से आ रहा है, अगर अपनी पर्सनल कार से आ रहा है या अपनी बाइक से आ रहा है, तो वो कहाँ पे पार्क करे आपकी शॉप के आसपास अपनी बाइक? और अगर वो हमारे पास ही आता है, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये तो हम आपको बता देंगे कि पार्किंग कहाँ पर है। हाँ जी, मतलब कि आप उनकी कार पार्क करवा देंगे अगर बंदा आपके पास ही आ रहा होगा पर्टिकुलर। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने। तो सन्नी म्यूजिकल्स पे मतलब हम आपको दिखा चुके हैं सारे इंस्ट्रूमेंट, और इन पे सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, चाहे आप कुछ भी लेना चाहें, चाहे वो बांसुरी हो या वो तबला हो या हारमोनियम हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो आप आ सकते हैं। और बाकी मैं आप लोगों को इनका कार्ड दिखा देता हूँ एक बार ही। तो आपको मैंने कार्ड दिखा दिया है, आप ठीक है भैया को फ़ोन करके भी आ सकते हैं और बाकी आप खुद भी आ सकते हैं, क्योंकि जस्ट पंजाब नेशनल बैंक है उसके जस्ट अपोजिट है। अगर मतलब कोई ऑनलाइन मंगवाना चाहे, मतलब जैसे कोई है नहीं दिल्ली से बाहर का बंदा मंगवाना चाहे, तो आप ऑनलाइन डिलीवरी कर देते हैं? नहीं जी भैया। और उसमें मतलब क्या डिस्काउंट मिलेगा? ऑनलाइन डिलीवरी तो करते हैं, लेकिन भैया जो होता है ना हमारा ना, पहले हम पूरी एडवांस पेमेंट लेते हैं। क्योंकि अच्छा, एडवांस पेमेंट पूरी लेंगे आप? पूरी लेते हैं, क्योंकि ना हमारा जो काम है ना भैया, हम ना डीटीसी से बेचते हैं। हाँ जी, और उसमें 500 रुपये हमारा कोरियर चार्जेस होता है। मतलब कोरियर चार्ज भी जो भी मंगवाएगा कस्टमर वही बियर करेगा उस? नहीं ओके, बाकी पैकिंग का कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, मतलब आप कुरियर करवा देते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी? तो आप करवा सकते हैं यहाँ से ऑनलाइन कुरियर भी अपने आप, ठीक है। तो चलते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा सारे। सो दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग देखने के लिए बहुत शुक्रिया।